talking. So, what do we talk about? Well, we talk about dating, relationships, single life, and practically everything in between. But you know what? We are no experts. We are just explorers of life. Hi, I'm Amrit. Hi, I'm Priyanka. I'm Prerna. So join us on our misadventures. Girls, थोड़े दिन पहले मैंने एक फिल्म देखी और उस फिल्म की एक लाइन जो मेरे साथ टिक गई वो ये थी, इश्क दी मेरे मित्रा पहचान की, इश्क दी मेरे मित्रा पहचान की, मिट जावे जदो जिद अपनान दी। अगर जिद ही ना हो तो फिर प्यार पाने की बात ही क्या हुई, प्यार तो वही होगा ना जब जिद होगी। और आई थिंक द थ्री ऑफ अस वी आर इन आवर लेट 30s एंड स्टिल सिंगल, देयर इज अ रीजन दैट वी आर स्टिल सिंगल। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन दैट वी आर स्टिल सिंगल इज कि शायद हमने बहुत एक तरफा मोहब्बत कर ली है, बहुत बार एक तरफा मोहब्बत में फंस गए हैं। तो आई थिंक आज हमें अपने लिसनर्स को इस बारे में भी बताना चाहिए कि हमारा कितनी बार दिल टूटा है जब हमने एक तरफा मोहब्बत की। हम कैसे ये बताने वाले हैं कि हमारा दिल टूटा और कितनों के दिल तोड़े हैं एक तरफा प्यार में? देखो, बात तो दो तरफा होनी चाहिए। अगर हमारा दिल टूटा है तो हमने भी तो दिल तोड़े होंगे ना कहीं ना कहीं। बोलते ना, एक तरफा प्यार की ताकत ही अलग होती है। यार मेरे तो ना एक्चुअली मुझे थोड़ा एक तरफा प्यार कम हुआ है। सामने वालों ने बहुत एक तरफा प्यार किया है और बहुत लोगों के दिल टूटे हैं, तो अभी मैं क्या ही बताऊं। तुम्हारा कभी दिल टूटा है ऐसा कि तुम्हें एक तरफा ही मोहब्बत हुई है, या तो कभी तुमने कहा नहीं या सामने वाले ने सुना नहीं? नहीं, एक्चुअली मुझे ना जब भी किसी से बहुत अट्रैक्शन हुआ या लाइक जिसको देखते हुए लगा बल्ब जग गए मेरे और यू नो लाइट आ गई, और मैंने उसको जाके डायरेक्ट प्रपोज कर दिया। मतलब मैंने नोटिस किया एक महीने तक मुझे कोई पसंद आ रहा है, मैं सारी चीजें देख रही हूँ और मुझे ऐसा लगा नहीं यार ये आदमी मुझे बहुत पसंद है या ये लड़का बहुत पसंद है, उसे जाके प्रपोज कर दिया। और आई थिंक आई एम लकी कि बदले में मुझे उतना ही प्यार उसकी तरफ से भी मिला। तुम्हारी लाइफ में कोई अलीजे नहीं है? तुम्हारा कोई पहला प्यार अधूरा नहीं रहा? रिफत भी नहीं, एक तरफा प्यार ऐसा एक तरफा वाला प्यार अधूरा नहीं रहा। हाँ, अभी मैं बोलूंगी मुझे एक्टर्स से प्यार होते हैं, लाइक मतलब प्रभास से मुझे बहुत प्यार है यार, ये एक तरफा लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है ना, समझा करो। प्यार तो ऐसे मुझे बहुत कॉलेज लाइफ में तो मेरे साथ ऐसा था कि लोग लेटर डाल के जाते थे मेरी स्कूटी में, कोई डायरी लिखता था। एक बार तो एक लड़का मतलब मेरे बर्थडे पे कानपुर से दिल्ली बाइक चला कर आया कि मैं सुबह सुबह 6 बजे जैसे ही प्रियंका कॉलेज पहुंचेगी मैं उसको बुके दूंगा और उसे प्रपोज करूंगा। मतलब वो मुझे एक साल से एक तरफा प्यार चल रहा था उसकी तरफ से, बट मुझे वो पसंद नहीं था। तो ऐसे वाले बहुत सारे इंसिडेंट मेरी लाइफ में हुए जहां दूसरों के दिल टूटे हैं, मेरे नहीं टूटे हैं। तो दिल कभी नहीं टूटा एक तरफा मोहब्बत में? नहीं, मुझे कभी किसी से एक्चुअली एक तरफा प्यार हुआ ही नहीं है। तुम्हारा कब टूटा है? मेरा तो बहुत टूटा है। मुझे कभी बैलेंस हो गया यहाँ पे, इसका कभी नहीं टूटा, तुम्हारा बहुत टूटा है। वी हैव अ बैलेंसिंग एक्ट हियर। मेरा तो एक तरफा मोहब्बत में भी दिल टूटा और रिलेशनशिप की भी मोहब्बत में दिल टूटा है। रिलेशनशिप की मोहब्बत में दिल टूटा है, लेकिन हाँ। बात यहाँ हो रही है एक तरफा, मतलब सिर्फ तुम प्यार करते हो और कोई तुम्हें रिजेक्ट कर दे। हाँ, मतलब आपका दरिया जो होता है ना, उस इश्क के दरिया में आप अकेले ही कूद गए, सामने वाला जो है बाहर से टाटा कर रहा है आपको। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। सो अमृत, कोई तो ऐसा किस्सा सुनाओ जहाँ जहाँ तुम अकेली डूबी हो। जहाँ अकेली डूबी हो तो मेरे एक तरफा मोहब्बत के ही किस्से हैं। ऐसा कोई चटपट ऐसा किस्सा सुनाओ कि जहाँ मतलब लाइक ओ डे नाइट नींद नहीं आई, क्या क्या हुआ साथ में। यार तो मैं तो बचपन से ही वो शाहरुख खान कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाली हीरोइन और हीरो के सपने देखने वाली लड़की हूँ। तो एक्चुअली मेरे को बचपन में ही किसी से प्यार हो गया था। नाइन्थ क्लास में मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था और वो मेरे घर के स्कूल में था। स्कूल में मेरे से एक साल सीनियर था वो, और मेरे पड़ोस में रहता था, तो हम एक ही बस में जाते थे। तो ऑब्वियसली हम एक क्लास में नहीं थे क्योंकि वो सीनियर था, बट हम बस में जो आधा घंटा होता था ना, जो सुबह का आधा घंटा और जो एक शाम का दोपहर को घर जाते हुए वाला आधा घंटा होता था, बस उसमें वो मुझे दिखता था और उसमें हम दोस्त थे, हम बहुत बातें भी किया करते थे। तो वहां उससे मुझे एक्चुअली में बहुत प्यार हो गया यार। हाँ, मतलब 3-4 साल मैंने उससे प्यार में बिता दिए। हाय हाय, 3-4 साल, 3-4 साल एक तरफा प्यार किया, वो भी बचपन की मोहब्बत में। बचपन की, और वो भी पहला प्यार, मतलब लाइक वो प्यार ही है। एग्जैक्टली प्यार ही था यार, और पहला प्यार था वो तो। और 3 साल के बाद जब मैं 11th में आई और वो 12th में था, और मुझे समझ में आ गया कि अब तो ये 4 है, 12th में है, इसने चला जाएगा कॉलेज में, अब नहीं बताया तो फिर अमृत वालिया कब बताएगी। तो मैंने फाइनली 3 साल के बाद जब वो 12th के बोर्ड्स देने वाला था और मैं 11th में थी, तब फाइनली उसको बोला कि लिसन, आई मीन
पहली बार ऐसे आई लाइक यू मीडिया लिसन आई लव यू बोला यार फिर? और उसने बोला मैंने तो तुम्हें ऐसी इस नजर से कभी देखा ही नहीं नजरों का कसूर बहुत जोर से दिल टूटा और फिर वो लाइन जो थी उस टाइम पे मैं घर जाके ऐसे मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया अरे फन भी मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया बट मुझे लगता है कि एक तरफा प्यार में मैं एक ऐसी चीज जानना चाहती हूँ प्लीज तुम लोग बताना जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मुझे हमेशा पता रहा है कि कौन कौन मुझे लाइक कर रहा है ऑफकोर्स okay? लड़कों को भी पता होता है ना तो जैसे इसने अभी बोला ना ये बात कि उसने बोला कि मैं तुम्हें इस नजर से देखा नहीं लेकिन मुझे लगता है कि जो जो लड़के मुझे एक तरफा प्यार करते थे उनकी आंखों से मुझे समझ में आता था कि लट्टू है मेरे पीछे घूम रहा है ठीक है समझ में आता था तो लाइक हम लोग कैसे कितने कमीने होते ना हम लोग साफ बोल देते हैं एक बार मुझे मेरा जनरली ये सेंस बहुत स्ट्रांग है एंड आई गेट टू नो कि किससे कैसी वाइब्स आ रही है मुझे बट एक बार मुझे धोखा हुआ था व्हेन आई डिड नॉट रियलाइज कि दिस गाय वाज गिविंग मी वाइब्स और मैं तो मतलब उसको दोस्त की ही तरह देखती थी एंड सडनली एंड आई वॉज इन अ रिलेशनशिप दैट टाइम तो मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कुछ होने वाला है And suddenly one day he just dropped the bomb ki bhai ho gaya pyar and I was like what ye kab kaise kahan hua but yeah uski wajah se bahut achhi dosti meri kharab ho gayi because I was ready to let go of things but shayad uske liye wo okay nahi tha yaar jiska ek tarfa pyar hota hai na usko tum bologe suno tum bahut acche ladke ho lekin main kya karu yaar tum bahut achhi ladki ho लेकिन तुम मेरे लिए नहीं हो ये लोगों को ऐसे पिंच करता है ना बहुत पिंच करता है बट यार मैं ना रहने के लिए तैयार थी जब मुझे एक तरफा प्यार हुआ था अच्छा हाँ अपना एक तरफा केस तो सुनाओ प्रॉपरली एक्चुअली कहानी बताओ कहाँ कब कैसे सो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था कि दोस्ती बढ़ते बढ़ते आगे प्यार हो गया अचानक से और पता भी नहीं चला मुझे और किस एज का लव था ये आई वॉज 26 पहला प्यार हुआ एक तरफा उस टाइम हुआ मतलब उसके पहले एक रिलेशनशिप था और मुझे लगा था कि शायद वही एक प्यार होता है बिकॉज आई हैड नेवर नोन व्हाट ट्रू लव इज एंड देन सडनली मुझे इस बंदे से प्यार हो गया एंड ही वॉज अ फ्रेंड हम लोग 3-4 महीने मतलब जो भी दोस्ती हमारी चली है या उससे भी ज्यादा हम लोग रोज रात को बात करते थे एंड वी यूज टू शेयर आवर डे विद ईच अदर कुछ बात करने को नहीं होता था ऐसे ही टाइम पास गप्पे मारा करते थे एंड यू नो जब भी मैं कभी अपसेट होती थी और लाइक ही वॉज वन पर्सन जिसके साथ आई वॉज वेरी वल्नरेबल सो ही वुड मेक श्योर कि वो हमेशा तभी फोन रखता था जब वो मुझे स्माइल करवा देता था सो दैट वॉज द सिचुएशन देर वर टाइम्स वेन आई टेस्टेड दिस ऑल्सो कि मैं ऐसे ही उसको ऐसे टाइम पे कॉल करती थी जब मुझे पता है कि वो नहीं उठा सकता है एंड ही ऑल्सो नोज कि कुछ बात करने के लिए है नहीं ऐसा खास कोई जरूरी बात नहीं है एंड येट ही वुड ऑलवेज कॉल बैक रात को 12 बजे 1 बजे कितना भी टाइम हो रहा हो ही वुड कॉल मी बैक एंड गप्पे मारेंगे हम लोग बैठ के सो धीरे धीरे जब प्यार हुआ तो सबसे पहला मेरा रिएक्शन था शिट ये क्या हो गया बिकॉज मतलब उससे प्यार था तुमसे मुझे उससे हो गया वाइब मतलब बराबर की चल रही थी हमारी मतलब सामने से कुछ तो मिलता है तभी तो एग्जैक्टली सो वो अनकही सी वाइब्स हमारी हाँ। आपस में चल ही मतलब रही वो थी ऐसा वाला नहीं है लव एट फर्स्ट साइड नहीं कि देखा प्यार हो गया ये प्यार क्यों लव एट फर्स्ट साइड वाला भी तो एक तरफा ही प्यार मैं वो वाली बात नहीं कर रही हूँ मैं उस वाले प्यार की बात कर रही हूँ जहाँ पे कुछ दोस्ती थी कुछ था कुछ सामने से भी मिल रहा था शायद कुछ सिग्नल्स मिल रहे थे जो मिस इंटरप्रेट कर लिए या मिस रीड कर लिए वो आई थिंक वो सिग्नल्स भी ऐसे थे कि थोड़ा यू नो हेल्दी फ्लर्टिंग टाइप्स की होती है ना सो कुछ उस जोन का था कि जब तक बात अनकही रहना तब तक इट्स ऑल फाइन सो एक बार जो है गलती से मेरे मुंह से निकल गया इन अ फ्लो ऑफ इवेंट्स एक के बाद एक बात चलती जा रही थी और मेरे मुंह से निकल गया एंड इमीडिएटली आई टोल्ड हिम कि यू डोंट इवन हैव टू रिस्पॉन्ड बिकॉज दीज आर माई फीलिंग्स आई डोंट वॉन्ट टू फोर्स एनीथिंग अपॉन यू सो मैं डील कर लूंगी वी आर रियली गुड फ्रेंड्स एंड आई डोंट वॉन्ट थिंग्स टू गेट अफेक्टेड बिटवीन अस एंड ही वॉज लाइक ओके लाइक आई एम नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू दिस एक हफ्ते तक मुझे लगा शायद चीजें नॉर्मल हो जाएंगी क्योंकि मैंने कभी भी उस चीज को उस आगे नहीं बढ़ाया इन अ सेंस कि यू नो आई एम इन लव विद यू और समथिंग लाइक दैट बट कहीं ना कहीं उसका बिहेवियर चेंज हो गया एंड आई वॉज लाइक तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मतलब यू कैन बी अ नॉर्मल फ्रेंड राइट तो धीरे धीरे जब मैंने उसके वो चेंजेस देखे तो आई बैकड आउट मैंने वो जिद नहीं की एंड आई लेट इट गो एक साल हाँ एक तरफा मोहब्बत में
रिलेशनशिप नहीं, बट एक साल बाद मैंने उसको पूछा कि हमारी दोस्ती क्यों खत्म हो गई, लाइक वी वर सच गुड फ्रेंड्स। एंड जो भी नेचुरल सी बात है कि अगर कोई आपको प्यार करता है वो कितना भी अच्छा आपका दोस्त हो, लेकिन जैसे ही आपको ये पता चलता है, मोहब्बत तो मेरी तरफ से थी ना। अरे बट तुम्हारी तरफ से तो थी, लेकिन उसे पता था कि अब मैं ये दोस्ती आगे निभाऊंगा या कुछ करूंगा, तो यू नो इसको गलत सिग्नल ना मिल जाए, इसको क्यों ऐसा ना लगे। बट आई मेड श्योर, आई टोल्ड हिम स्पेसिफिकली कि दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, इट्स ओके, आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स एनीथिंग फ्रॉम, लाइक आई डोंट इवन वांट अ रिस्पांस, फॉरगेट एनीथिंग एल्स। उस बंदे का रिस्पांस ऐसा था कि दोस्ती, मतलब मेन सवाल तो ये था कि मेरी दोस्ती से क्या प्रॉब्लम हो गई थी। एंड ही वॉज लाइक कि यार कुछ नहीं, मतलब मुझे अपने करियर पे फोकस करना था, यू वर लाइक दिस वॉज टू मच फॉर मी। मैंने कहा टू मच के मतलब मैं कुछ तुम पे दबाव डाल रही थी कोई नहीं, मतलब यू नो आई हैड टू फोकस ऑन दैट। एंड आई केप थिंकिंग कि यार ऐसा क्या, किसी की दोस्ती ऐसी क्या भारी पड़ जाती तुम्हें कि तुम अपने करियर पे फोकस नहीं कर सकते हो। एंड मच लेटर आई रियलाइज, मुझे एक और दोस्त ने ये रियलाइज करवाया कि नहीं, उस कन्फेशन की वजह से ना उसके जो अंदर इमोशंस थे वो हिल गए थे, एंड ही वॉज नॉट रेडी टू कमिट, ही वॉज नॉट देयर वेयर यू वर देयर। सो कहीं ना कहीं वो एक मिसमैच हो गया इमोशंस का। आई थिंक प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई आल्सो फील इज कि अगर सपोज मुझे जैसे उस लड़के से प्यार हुआ लेकिन उसको मुझसे प्यार नहीं हुआ बचपन वाले को, बट हमारी भी दोस्ती खत्म हो गई। और एक्चुअली में हर एक तरफा मोहब्बत की दोस्ती कहीं ना कहीं खत्म होती ही होती है, और वो दोनों पार्टीज के लिए होती है। मुझे अब लगता है इन रेट्रोस्पेक्ट नाउ आई फील दैट ही स्टॉप टॉकिंग टू मी बिकॉज आई एम श्योर उसको ऐसा लगा होगा कि अगर वो मुझसे बात करता रहा तो शायद मेरी फीलिंग्स खत्म होने की बजाय बढ़ेंगी। टुडे इन रेट्रोस्पेक्ट आई ऑल्सो थिंक दैट मे बी एट दैट टाइम इफ ही वॉज स्टिल माई फ्रेंड आई वुड हैव परसुएडेड हिम इवन मोर, आई वुड हैव थॉट कि यार हम अच्छे दोस्तों हैं तो क्यों मेरे को चांस नहीं दे सकता, थिंक अबाउट मी एंड ऑल दैट। I would have also thought that, and that would have, you know, complicated things, worsened things even more. Because I have an example where one of my friends confessed his feelings for me, and I obviously could not go ahead with that because I did not reciprocate. And okay. We are still friends. We are still very good friends. He is over that, and I am over that. And maybe ये इसका पीछे एक और भी reason हो सकता है कि जब इस तरीके की चीजें हमारे साथ होती हैं, मतलब जैसे तुम्हारी फ्रेंडशिप खत्म हो गई, ओके तुमने ये एक लाइफ में सीखा कि ओके अगर मेरा जिससे मैं बहुत प्यार करती थी उसने मुझसे दोस्ती भी खत्म कर दी तो कितना इफेक्ट पड़ा। तो हो सकता है कि जब तुम्हें किसी ने प्रपोज किया या एक तरफा प्यार किया तो तुमने उस चीज को बहुत अच्छे से मेंटेन किया कि नहीं इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। या मुझे ना, मेरे लिए हमेशा से दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट रही है, एंड ऐसा नहीं है कि उसके पहले किससे नहीं हुए या उसके बाद नहीं हुए, बट कहीं ना कहीं सी जिस इंसान की फीलिंग ज्यादा उसमें इन्वेस्टेड होती है, द वन हु इज टॉकिंग अबाउट कि मुझे प्यार हो गया एंड वट एवर द सिचुएशन इज, कहीं ना कहीं उसके कंफर्ट लेवल को मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ कि तुम्हें ठीक लगता है इस सिचुएशन में रहना कि नहीं, कैन वी बी फ्रेंड्स, यू नीड टू डिसाइड। सो ठीक है, ये तो तुम्हारी पर्सनल फीलिंग हो गई ना, अभी हम यहाँ पे तो सिर्फ हम बात और किससे सुन रहे हैं, तुम्हारे और किससे सुनने, मुझे तुम्हारे बहुत सारे, मुझे ऐसा लग रहा है अमृत के पास बहुत मसाला है। चलो नंबर वन, आज अमृत के पास मसाला है, हमारे पास कम है, तो मैं तो जानना चाहती हूँ अमृत ये वाला किस्सा बहुत जल्दी खत्म हो गया वैसे, लेकिन आई होप, आई डोंट नो व्हाई, आई स्टिल होप कि मैं जिसकी बात कर रही हूँ उसको समझ में आ जाए कि मैं उसकी बात कर स्पेशली उसको ये वाला पॉडकास्ट भेजा जाएगा और सुना जाएगा कि सुन लो ये मेरा प्यार था। नो, इनफैक्ट आई वुड एक्सपेक्ट कि अगर उसका रैंडमली मुझे मैसेज आ जाए और वो बोले कि ये तो मेरे बारे में बात कर रही थी ना, मुझे समझ में आ गया। बट एनीवे, मेरे पास एक और किस्सा है एक तरफा मोहब्बत का। मुझे लाइफ में सबसे एक तरफा मोहब्बत ही हुई है, बहुत कम मेरे रिलेशनशिप्स ऐसे हुए हैं जहाँ पे सामने से लड़के ने मुझे आगे प्रपोज किया और मैं उस रिलेशनशिप में घुसी हूँ। Even the past relationships that I talk about, the 8-year one and the 6-year one, both the guys I fell in love with first. Oh. Then they fell for me. So, हमेशा पहले मुझे प्यार होता है, फिर सामने वाले को होता है. I hope to change that now. Huh? सुन लो please, universe and boys out there. So, the second kissa happened much later in Bombay, and the second kissa happened when I was 23-24. And then I fell in love with a guy. रीजन पहले बताऊंगी कि मुझे उससे प्यार क्यों हुआ, okay. शायद तुम लोगों को और शायद हमारे लिसनर्स को समझ में आए कि समटाइम्स सामने वाली पार्टी गलत सिग्नल्स देती है, जिसकी वजह से सामने वाले को लगता है कि हाँ शायद दैट पर्सन इज इनटू यू। मान सकती हूँ, मैंने बहुत सारे गलत सिग्नल दिए हैं।
बंदूक मत रखो, गल मत रखो, मैंने सिर्फ अपनी चीजें बताई है. ओके अमृत, सो इमेजिन दिस गाय दैट आई मेट थ्रू अ फ्रेंड इन बॉम्बे एंड वी मेट एज फ्रेंड्स. ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है. हम बात करते थे एंड वी यूज टू टॉक फॉर एंडलेस आवर्स. वी आर टॉकिंग अबाउट एक्टिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट फिल्म्स, वी आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स, वी आर डिस्कसिंग हिज प्रॉब्लम्स, वी आर डिस्कसिंग माई प्रॉब्लम्स. मेरी जॉब होती थी उस वक्त पे, उसकी नहीं थी. ही वॉज अ फ्रीलांसर एंड वो बैठा हुआ है और रात के 4-4 बजे तक हम बैठ के बातें कर रहे हैं और ये रोज होने लगा. रोज के 4-4 बजे तक. और मैं उसको बोलती भी थी कि यार सुबह ऑफिस जाना तो क्या हुआ, वो लैंडलाइन फोन पे उस टाइम बात करती थी. नहीं, मेरे घर पे. घर पे अच्छा, वो घर पे, घर पे, हम घर पे रात को बैठे हुए हैं, चिल कर रहे हैं, बातें करते हैं रोज रोज. मतलब यू नो बॉम्बे में नए नए होते हैं लोग, सब नए अकेले होते हैं. सो यू नो यू फाइंड कंफर्ट एंड यू फाइंड दिस स्पेस, गुड कंपनी, गुड कंपनी. तो एक कंफर्ट जोन था हम दोनों को एक दूसरे के साथ, जहाँ पे वी कुड बी आवरसेल्व्स, वी कुड टॉक अबाउट एनीथिंग अंडर द सन. और रात के 4-4 बजे तक बात कर रहा हूँ. मैं उसको बोल रहा हूँ सुबह मुझे ऑफिस जाना है यार, जल्दी उठना. तो क्या हुआ, तुम मेरे लिए बैठ नहीं सकती 4 बजे तक, तो मेरे लिए बात नहीं कर सकती. अब ये सब जब 1 महीना 2 महीना 6 महीना तक हो रहा है, तो मुझे लगा कि यार क्या इसको मैं पसंद आ गई हूँ क्या, ये शायद बोल नहीं रहा है मुझे, बट मैं बोल दूंगी ना इसको कि मैं तुझे पसंद करती हूँ. क्योंकि ऐसा तभी लगता है, बिकॉज ये लग ही रहा है कि प्यार है. मतलब कुछ, हाँ, कुछ तो वाइब है, कुछ तो वाइब भी है. करेक्ट. मतलब हर एवरीथिंग इज फॉलिंग इन प्लेस, द कैमराडरी, द एवरीथिंग, यू नो. और उसकी लाइफ में कोई और है भी नहीं, और उसकी लाइफ में कोई और नहीं है. वो मुझे भी बता रहा है कि यार मुझे, मेरी गर्लफ्रेंड थी उसकी, ये गर्लफ्रेंड थी, इसका इसके साथ ब्रेकअप हो गया यार, क्योंकि उसके साथ मैं बात ही नहीं कर पाता. जैसे मैं तेरे साथ बात कर रहा हूँ, मैं उसके साथ नहीं कर पा रहा. सो इमेजिन दीज काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस हैपन एंड देन वन फाइन डे आई थिंक कि चल यार मैं इसको बोल देती हूँ कि सुन ना, मुझे तुझसे प्यार हो गया. और मैंने ऐसा कर भी दिया. मैंने उसको जाके बोल दिया दैट लिसन, आई थिंक आई डोंट नो अबाउट यू. मतलब इन द हेड आई एम थिंकिंग कि ये भी बोलेगा कि हाँ हाँ हाँ, आई डोंट नो अबाउट यू बट आई थिंक आई फॉलन फॉर यू. और वो आदमी एकदम से ऐसे बौखला गया. व्हाट, आई कांट लव यू, हैव यू लुक्ड एट योरसेल्फ? व्हाट, या दैट गाय फर्स्ट लाइन वाज हैव यू लुक्ड एट योरसेल्फ? क्यों, हेलो प्लीज, तुम खूबसूरत हो, स्मार्ट हो. नहीं, शायद उस लड़के को मैं खूबसूरत स्मार्ट वगैरह नहीं लगी. उस लड़के का टाइप कुछ और था. एंड उसका अगला सेंटेंस लाइक दैट, उसका अगला सेंटेंस ये था, हैव यू सीन माय गर्लफ्रेंड्स? Girls like you are my friends. Girls like you are not my girlfriends. Oh shit, yaar. Oh my god. सोचो दिल तो टूटा ही, सेल्फ एस्टीम की भी लग गई. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एक्चुअली, उस वक्त तक और उसके बहुत देर तक मुझे यही लगता रहा कि मुझे प्यार नहीं मिलेगा क्योंकि मैं खूबसूरत नहीं हूँ. दिस हैज बीन अ ट्रॉमा दैट आई हैव डेल्ट विद फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. दैट आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट प्रिटी इनफ, आई एम नॉट खूबसूरत by the standards that have been set by our society. तो तुम्हें ये लगना लग गया कि खाली खूबसूरत औरतों को ही प्यार मिलता है? Exactly. मुझे यही लगने लग गया बहुत वक्त तक कि सिर्फ खूबसूरत लड़कियों को और खूबसूरत लड़कों को प्यार मिलता है. मेरे जैसी एवरेज लुकिंग मोटी लड़कियों को तो प्यार नहीं मिल सकता है. चलो यार, अच्छा वैसे अमृत एक बात बता रहा, उस लड़के की शादी किसी मॉडल वॉडल से हुई होगी? वो लड़का अभी तक सिंगल है. वैसे कच्चा, कभी तुम्हारे साथ ये वाला केस हुआ है? जैसे कॉलेज में हमेशा होता था, हम कितनों की भाभियां होते थे, खुद भी नहीं पता है. मैं बहुत मजेदार केस होता था. लड़कों का एक ग्रुप होता था और मैं, मुझे नहीं पता, सब बोलते थे भाभी 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 भाभी. अब मैं खुद नहीं पता कि मैं किसकी भाभी, किसने मुझे अपनी पत्नी मान लिया है. ये वाले केस कभी हुए तुम्हारे साथ? बट आई थिंक आई हैव नेवर बीन अ स्वान, आई हैव ऑलवेज बीन द अगली डकलिंग. Oh, okay. So I've never been one of those girls जिसको लड़के देख के बोले ये कितनी सुंदर है, आ रही है. मैं हमेशा से ना वो पढ़ाकू चश्मे वाली नर्डी लड़की रहा करती थी. तो इसीलिए शायद, मतलब मेरे बारे में ऐसी बातें भाभी नहीं की. हो सकता है कि किसी के दिल में कोई बात रह गई हो, तुमसे कह नहीं पाया. तुम खतरनाक तो हो ना, मुझे पता ही है, झाड़ देती हो लोगों को. तो कैसे हो सकता है कि कोई ना कोई तो होगा जो कॉलेज में इसको बहुत पसंद करता होगा और ये ऐसे सड़ी हुई हमेशा रहती होगी. मुझे एक्चुअली सालों बाद जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं उन्होंने बताया कि यार आई नो, लाइक वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स, ही टोल्ड मी कि आई नो एटलीस्ट 3-4 गाइस हु हैड अ ह्यूज क्रश ऑन यू, बट दे कुड नेवर टेल यू बिकॉज उनको तुझसे बहुत डर लगता था. सो दे कुड नेवर इवन, एंड ट्रस्ट मी दीज वर द गाइस जिनकी मुझसे कभी बात भी नहीं होती थी. ही सेड कि हाँ, क्योंकि वो तेरे से बात करने में भी डरते थे, यू आर वेरी इंटिमिडेटिंग. ऐसे कहाँ से, आई वॉज लाइक अ पेंगुइन, आई वॉज लाइक अ बटरफ्लाई, वॉज जस्ट यहाँ से वहां बस घूमती फिरती रहती थी.
But yeah, it could be a case like that. अगर होगा तो please मुझे बताना. You can contact me again. Please आप अमृत को वापस से बात कर सकते हैं. अगर आप single हैं या divorced हैं तो आप मुझे contact कर सकते हैं. Just be available. Just be available. Yeah, please. Unavailable men still not invited or accepted. Yeah. मेरे साथ एक case था, मैं तुम्हें सुनाती हूँ. मतलब मैं यूपीटेक में थी और वहां पे मुझे एक लड़का बहुत पसंद का था. वो बड़ा पड़ाकू, इतना पड़ाकू कि मतलब पूछो मत. लेकिन मैंने उसको कभी भी उस नजरों से देखा ही नहीं. हाँ, लेकिन मैं उससे अपना होमवर्क और सिलेबस और सारी जितनी थी पढ़ाई वाली बातें वो सब कर लेती थी. अब लड़की तो चालू होती है ना थोड़ी थोड़ी मेरी जैसी, ठीक है कि भैया अपना काम करवा लो. और मैं, मुझे कभी नहीं पता था कि वो मुझे लाइक करता है. जब मैं बॉम्बे में शिफ्ट हो गई मुझे तब भी कभी पता नहीं चला. फिर 2010 में मुझे एक मेल आता है एक दिन. उसमें उसने, जब से मैं उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था और जब मैंने छोड़ा था और फिर मैं जब बॉम्बे शिफ्ट हो गई, उसने क्या क्या फील किया. उसने मुझे एक प्रॉपर एक बहुत बड़ी मेल लिख कर दी थी और उसमें उसने लिखा था कि मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ. मेरे पास आज भी वो मेल पड़ी हुई है और मैंने ऐसे देखा, ये मुझे प्यार करता था. मतलब उसके साथ सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया. कोई मुझे ब्लेम नहीं कर सकता कि तुमने ऐसे हिंट दिए कुछ भी. फिर बाद में मुझे ऐसा लगा कि यार ये इतना प्यार करता है, इस बारे में सोचा जाए. मैंने कहा नहीं यार, वो होता है ना, समझ जाओ. क्या उसने अपनी मेल की सब्जेक्ट लाइन में लिखा था, आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी. सो ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने बट ऐसा कभी तुम्हारे साथ हुआ है कि तुमने किसी का दिल तोड़ा हो जाने अनजाने में एंड देन यू वर लाइक यार लड़का बुरा नहीं था, लाइक चांस दिया जा सकता था. सो एक ऐसा लड़का था जो मुझे हैदराबाद में मिला था. मतलब जब हम स्टार्टिंग में मिले थे, बड़ा हैंडसम सा था और बहुत अच्छी पोस्ट पे मतलब काम करता था एडिट डिपार्टमेंट में और मुझे पसंद था. मैं उसके साथ घूमती फिरती थी क्योंकि मैं हैदराबाद में किसी को जानती नहीं थी. मैं और मेरी दोस्त थे तो वहां के बारे में वैसे ही कुछ नॉलेज नहीं थी. वो काफी सालों से वहां रह रहा था तो उसके साथ मैं घूमने फिरने जाती थी, बट इतना ही था सिर्फ. लेकिन वो मुझे पसंद आया था, लेकिन उस टाइम ना शायद कभी मेरे दिमाग में ना अमृत आता ही नहीं था कि मुझे किसी के प्यार में पड़ना. यू नो, आई लव वाली फीलिंग ही नहीं आती थी. मुझे ऐसा लगता था क्यों, प्यार होता क्या है, मेरे को कसम से नहीं आता समझ में. फिर जब उसे कांटेक्ट टूट गया, फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई, फिर मैं बॉम्बे आ गई. उसने फिर भी मुझे बहुत खोजने की कोशिश की. बहुत दोस्तों ने मुझे कॉल किया, अरे वो तुम्हें ढूंढ रहा है. तो मैंने कहा छोड़ना, क्या करना है. आज वो बहुत अच्छी जगह पर है, बहुत अच्छे उसपे है. और अब मुझे ऐसा रियलाइज होता है, ओ शिट यार, ये कितना अच्छा था यार, इससे तो शादी कर लेनी चाहिए. एक सेकंड, उसकी पोस्ट को देखकर रियलाइज होता है या उस लड़के की वजह से रियलाइज होता है? उसकी पोस्ट को देख के नहीं, मतलब एक्चुअली में वो वर्ड था. मतलब बोलते हैं ना कभी कभार आपको बहुत टाइम के बाद रियलाइजेशन होता है कि नहीं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. उसकी शादी भी हो गई. मैंने उससे वापस कांटेक्ट करने की कोशिश की पर उसने बोला प्रियंका मेरी शादी हो गई. सो ही इज द वन दैट गॉट अवे. हाँ, ही इज द वन ऑनली, बस और तो कोई भी नहीं. तो ये है कहानी एक तरफा प्यार की. अच्छा मुझे एक और बात बताओ कि जैसे तुम लोगों को एक तरफा प्यार हुआ है तो ऐसा कभी हुआ है कि एक तरफा प्यार में जब तुम्हारा दिल टूट गया और जब तुम्हारे दिल को बहुत धक्का लगा और फिर कुछ महीने बीत गए उसके बाद कभी ऐसा लगा ओ फक इस बंदर के साथ मैं प्यार करती थी? पर वो तो होना लाजमी है दीदी. मेरे केस में तो जैसे जेन्युइनली जिस तरह का आदमी वो निकला, मतलब इन स्पाइट ऑफ वट एवर हैपेंड, उसके बाद अगर कोई आदमी इतना शैलो है कि वो सामने वाले लड़की को ये बोल रहा है कि यार तुझसे कैसे मैं प्यार कर लूं, तूने मेरी गर्लफ्रेंड देखी है, मैं तो हॉइटी टॉइटी मतलब स्लिम मॉडल टाइप लड़कियों को डेट करता हूं और तू तो मोटी, मतलब लेजेंड एक सेकंड में प्यार होता जाना चाहिए. बट एक सेकंड नहीं, क्योंकि यार आई हैड टू, मतलब इट वाज अ लॉट ऑफ टाइम दैट वी स्पेंड टुगेदर एंड इट वाज अ लॉट ऑफ इमोशंस दैट गॉट इन्वेस्टेड. शायद उसकी नहीं थी पर मेरी तो हो गई. और एंड आई एम अ स्कॉर्पियन. स्कॉर्पियंस जब इन्वेस्ट होते हैं तो पागलों की तरह इन्वेस्ट होते हैं. बट येस, इट टुक अ लॉन्ग टाइम एंड टूडे आई समटाइम्स ट्राई एंड ब्लेम माई सेल्फ की हाउ स्टूपिड आई वॉज. But then I tell myself it's okay. That was a lesson that I needed to learn to grow. These are the kind of men that I should always avoid, even as friends. Oh, good. With you, Prerna? I think my perspective about love changed. I don't regret falling in love with him. He was a very good phase in my life, regardless of how that phase ended. And unfortunately, it ended shortly. But I really don't regret till date. बट उस टाइम पर जो प्यार का एक्सपीरियंस मुझे हुआ था, इट वॉज मोर ऑन द लाइन्स ऑफ तूफान की तरह आया एंड नानी की तरह चला गया, टूटे पत्ते की तरह उसके साथ बिखर चली गई. एग्जैक्टली. सो कुछ उस तरह से आंधी तूफान वाला एक फीलिंग था. लेकिन आज की डेट में मैं वो आंधी तूफान नहीं ढूंढती हूँ. आज की डेट में मुझे वो गिटार, वायलिन एंड तितलियां नहीं चाहिए स्टमक में. आई नीड सुकून, आई नीड पीस.
सो पीस की कंपनी में अगर मुझे वो पीस मिलता है मेरे लिए वो आज की डेट में प्यार है. दिस इज सो ट्रू. इवन आई डोंट वांट टू फॉल इन लव, आई रियली वांट टू राइज इन लव. आई डोंट वांट डिस्टर्बेंस. वाह वाह अमृता, वापस बोलना, वापस बोलना प्लीज. इवन आई डोंट वांट टू फॉल इन लव, आई वांट टू राइज इन लव. प्रेरणा ने जो अभी बोला है ना, इट्स एक्चुअली द मोस्ट प्रोफाउंड थॉट कि आज की डेट में डिस्टर्बेंस, तितलियां, वायलेंस नहीं चाहिए, सुकून चाहिए यार. कि चटर पटर बातें कर रहे नहीं चाहिए, शांति से बैठे अगर बातें नहीं भी कर रहे, सिर्फ एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे हैं, वो सुकून चाहिए यार. वही है असली कंपनी, मुझे लगता है वही असल प्यार है. वही आज की डेट में हमारा जो नजरिया है प्यार को लेके हमारी उम्र के साथ, वो भी मैच्योर हो गया. ट्रू दैट. सो गाइज, अगर आपके पास भी एक तरफा प्यार की कहानियां हैं तो प्लीज शेयर करिए. मुझे वो सारी बटरफ्लाई वाली फीलिंग्स और फिर दिल टूटना, वो सब कुछ जानना है. प्लीज शेयर कीजिए अपनी कहानियां. राइट टू अस एट lemontequilatales@gmail.com. हमारा इंस्टाग्राम पेज है lemontequilatales. प्लीज उसे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए. एंड मीनवाइल, हमने जो अपने दुखड़े रोए हैं